आज बच्चों हम सब मैक्सिमम मिनिमा की थर्ड क्लास करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज शुरू होंगे, जिनमें सबसे पहले मैं बच्चों आप लोगों को कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि एक वायर है, ठीक है, बच्चों जहां तक लग रहा है मेरे को मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है। तो ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम पहले 24, ठीक है जी, 24, ठीक है बच्चों। चलिए कह रहा सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। बच्चों लीस्ट कर्व सरफेस एरिया का मतलब है मिनिमम। लीस्ट कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि हमें मिनिमम प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? मिनिमम प्रूव करना है। और किसको? राइट सर्कुलर कोन को, और वो भी सिर्फ उसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। और गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड, और वॉल्यूम को हमें दिया हुआ है जिसमें हमें उसके एल्टीट्यूड को उसके रेडियस के रूट टू टाइम्स प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? रूट टू टाइम्स प्रूव करना है। तो बस हो गया भाई, बात खत्म। हाँ जी, ये बच्चों आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन है बच्चों। ये इसका रेडियस लेट करेंगे आर, ये लेट करेंगे इसके हाइट एच, और ये इसकी स्लांट हाइट लेट करेंगे एल। लेट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो कितना है आर, एंड द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितनी है बच्चों? एच। कितनी है बच्चों? एच। एंड द स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन एल। नाउ क्या दिया हुआ है बच्चों? हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ जी बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है जल्दी बता दो? पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही दिया हुआ है ना बच्चों? हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसमें दो हमारे पास वेरिएबल है, एक आर और एक एच। किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो आर की या तो एच की। तो मेरे हिसाब से एच की निकाल लो, क्यों ज्यादा चक्करों में पड़े, ठीक है? तो 3 को उठा के उधर ले जाओगे, 3v पाई आर स्क्वायर को उठा के उधर ले जाओगे यानी मल्टीप्लाई एच। तो एच की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगी? 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर बराबर एच। अब क्या करोगे? नाउ अब उसने बोला है सरफेस एरिया को, ठीक है, नाउ सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, एस बराबर पाई आर, और एल आप अच्छे से जानते हैं कि एल कैसे निकलता बच्चों, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, इस तरीके से हमारा एस निकलता है। अब क्या करेंगे? एस बराबर पाई आर अंडर रूट एच की वैल्यू पुट कर देंगे, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा बच्चों ऐसा करने का कारण क्या है? ऐसा करने का एक ही कारण है, ताकि सारे टर्म एक ही वेरिएबल में आ जाए। तो आ जाएगा एस बराबर पाई आर अंडर रूट क्या आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा ना, तो 3 का स्क्वायर 9v स्क्वायर अपॉन अपॉन पाई का स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है, और प्लस आर स्क्वायर। प्लस क्या आ गया? आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलो अब अंदर ही अंदर सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर दो। एस बराबर पाई आर अंडर रूट, इसको इससे करोगे 9v स्क्वायर, इससे इसको करोगे पाई स्क्वायर आर की 4 आर की 2 आर की 6 अपॉन पाई स्क्वायर आर की 4। अच्छा एस बराबर पाई आर अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6। अब बच्चों इसको रूट से बाहर निकाल दो, तो पाई स्क्वायर पाई हो जाएगा, आर की 4 हो जाएगा आर स्क्वायर। पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर कटा, तो एस बराबर अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के 6 अपॉन आर, अपॉन क्या आ गया? आर। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम इसकी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके? आर के।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, आर के, करो तो डी एस अपॉन डी आर, हाँ जी ऊपर वाले का डेरिवेटिव 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के 6, ये एज इट इज, बीच में माइनस, अब 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के 6 एज इट इज और आर का डेरिवेटिव अपॉन नीचे का स्क्वायर, ठीक है, तो डी एस अपॉन डी आर बराबर, हाँ भाई रूट के किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये तो ऐसे हो गया। तो बच्चों ये तो अभी डेरिवेटिव रूट का हुआ, अब अंदर वाली पार्टी का, तो 9v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, और इसका बन जाएगा पावर आगे एक कम, यानी r पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर और आगे हो जाएगा, तो यानी r की पावर 5, r की पावर 5 और इनटू में r, माइनस अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r के 6 और r डैश क्या बन गया 1 अपॉन r स्क्वायर, ds अपॉन dr ऊपर से, हां जी अंदर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन 2 अंडर रूट 9 वी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के 6 माइनस अंडर रूट 9 वी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के 6 अपॉन 1 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो आर स्क्वायर, ठीक है 2 से इसको काट देंगे 3 क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों क्रॉस मल्टीपल, तो डी एस अपॉन में डी आर बराबर क्रॉस मल्टीपल 3 पाई स्क्वायर आर के 6 इसके इससे मल्टीप्लाई, तो रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्यों लगाना जरूरी है बच्चों ब्रैकेट, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बाहर माइनस है वो गड़बड़ कर देगा, इसके नीचे से मल्टीप्लाई नीचे की, तो 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की 6 और अपॉन में आर, तो ये आ गया डी एस अपॉन डी आर बराबर 3 पाई स्क्वायर आर के 6 माइनस 9v स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर के 6, और क्या होगा बच्चों आपको अच्छे से पता है, ये चीज खिसक के नीचे आ जाएगी, तो r अंडर रूट 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर r की 6, तो ds अपॉन dr 3 में से एक गया 2 पाई स्क्वायर r की 6 माइनस 9v स्क्वायर अपॉन r 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की 6, ये बन गया बच्चों हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या बन गया बच्चों हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, अब हम क्या करेंगे इसको 0 के बराबर लेंगे, क्या करेंगे 0 के बराबर लेंगे, नाउ हाँ जी नाउ क्या करेंगे डी एस अपॉन डी आर बराबर 0, तो यानी कि 2 पाई स्क्वायर आर के 6 माइनस 9 वी स्क्वायर अपॉन आर अंडर रूट 9 वी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के 6 बराबर 0, बच्चों ये पूरा यहाँ डिवाइड कर रहा, वहां जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा खत्म 0, अब माइनस का 9v उधर जाके क्या बन जाएगा भाई 2 पाई स्क्वायर आर के 6, इधर आके प्लस का 2 पाई स्क्वायर उधर ले जाओ, r की पावर 6 की वैल्यू निकाल लो कितनी 2 पाई स्क्वायर, और यही हमारे पास r की पावर 6 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई r की पावर 6 की वैल्यू, फटाफट यहां तक नोट करो फिर आगे बताता हूं, नोट करो, अब इसके बाद हमें बस लास्ट मिनिमम प्रूफ करने के लिए रह गया है और एल्टीट्यूड को रूट टू टाइम्स, ठीक है चलिए h की वैल्यू क्या थी 3v अपॉन में पाई आर स्क्वायर, याद रखना अब क्या करेंगे नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो ds अपॉन dr की वैल्यू क्या है 2 पाई स्क्वायर आर के 6 माइनस 9 वी स्क्वायर अपॉन आर अंडर रूट 9 वी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के 6 यही है, अब इसका अगर तुम डेरिवेटिव करने चले गए ना तो बेहोश हो जाओगे, तो बेटर है बच्चों क्या करेंगे हम लोग आर की पावर 6 की वैल्यू रख देंगे 9 वी स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर, तो ये रहा 2 पाई स्क्वायर और आर के 6 की वैल्यू क्या है 9 वी स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर 9v स्क्वायर अपॉन r अंडर रूट
नाइन वी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, नाइन वी स्क्वायर टू पाई का स्क्वायर। चलो बच्चों, टू पाई का स्क्वायर से टू पाई का स्क्वायर कट गया, पाई के स्क्वायर से पाई का स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, नाइन वी स्क्वायर माइनस नाइन वी स्क्वायर अपॉन आर अंडर रूट नाइन वी स्क्वायर प्लस नाइन वी स्क्वायर अपॉन टू, कट के आ गया जीरो अपॉन आर अंडर रूट नाइन वी स्क्वायर प्लस नाइन वी स्क्वायर अपॉन टू। भाई जीरो से किसी को भी डिवाइड करोगे जीरो, तो डी एस अपॉन डी आर ये आ गया। अब नाउ ठीक है, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट, सो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी एस डी स्क्वायर डी स्क्वायर एस अपॉन में डी आर स्क्वायर, और जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही होता है, तो मतलब ग्रेटर देन क्या आ गया, यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, तो ऐसे केस में होता है लीस्ट यानी मिनिमम। सो द सरफेस कर्व सरफेस एरिया एरिया इज लीस्ट इज लीस्ट, ये क्या आ गया, लीस्ट आ गया, मिनिमम आ गया। अब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, ठीक है, वीडियो पॉज करके आपने इधर का उतार ही लिया होगा, ठीक है, हाँ जी। अब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये बराबर है किसके, रूट टू आर के, कौन, हाइट, ठीक है। तो देखो नाउ आर की पावर सिक्स किसके बराबर है, नाइन वी स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर, एंड एच किसके बराबर दिया हुआ था आपको, थ्री वी अपॉन में पाई आर स्क्वायर, क्या दिया था, थ्री वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, देखो ये है आर के सिक्स, भाई इस नाइन वी को क्या मैं थ्री वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, अब क्या रह गया कि भाई अब हमारे पास ये रह गया कि टू पाई स्क्वायर, तो मतलब क्या करो आप, तो क्या करो, टू पाई स्क्वायर। अब अगर मुझे h बनाना है तो 3v के नीचे पाई r स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो एक काम करता हूं, इसको दो चीजों में तोड़ता हूं, एक तो r 4 में तोड़ता हूं, एक r स्क्वायर में तोड़ता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों इससे, बताओ जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 4 और 2 6 होता है, तो ये r 4 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड। अच्छा r 4 को ही क्यों लेके गया मैं, क्योंकि मुझे भाई पाई r स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, जब r 4 यानी पाई स्क्वायर और r 4, हाँ जी, आर स्क्वायर थ्री वी का स्क्वायर अपॉन टू, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई स्क्वायर आर, और आर की पावर फोर को ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर का स्क्वायर, जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ, तो आर स्क्वायर बराबर थ्री वी स्क्वायर अपॉन टू, और इन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर वन बाय टू, और क्या मैं थ्री वी अपॉन पाई आर स्क्वायर का इन दोनों का स्क्वायर इस पर कॉमन ले सकता हूँ, जी बिल्कुल, तो आर स्क्वायर बराबर 1 बाय 2, ये पूरा 3v पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, h के, तो इसकी जगह पे लिखेंगे h का स्क्वायर, 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा, डिवाइड कर रहा है, यहां पर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, यहां पर आके क्या करेगा, यहां पर आके मल्टीप्लाई करेगा, स्क्वायर इसके ऊपर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, हाँ भाई ये आ गया रूट 2, आर स्क्वायर बाहर से निकलेगा तो आर, तो h की वैल्यू क्या प्रूव करनी थी, कि भाई वो रेडियस का एल्टीट्यूड जो है वो रेडियस का रूट टू टाइम्स है, ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, यही आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर था 24 के बाद 25 करते हैं, जल्दी से इसको उतार लीजिए, जल्दी उतारिए बच्चों,
हाँ जी बच्चों, चलिए ये आपने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, देख रहे हो कितना लेंदी है, यानी एक भी अगर कंसेप्ट इसमें मिस हो गया ना आपका, प्लस माइनस कुछ भी, तो समझ लो गए, खेल खत्म। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, प्लस माइनस की बिना गलती किए, कई बार प्रैक्टिस करके, कम से कम 5, 6, 7, 8 बार प्रैक्टिस कर लो इसकी, ताकि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, और आपसे क्या बोला इसने, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, सेमी वर्टिकल मतलब क्या होता है बच्चों, कि भैया ये हमारे पास कोन है, ठीक है, और सेमी वर्टिकल का मतलब इसको हमने यहां से ऐसे हाफ कर दिया, और ये एंगल ले लिया हमने थीटा। आगे बोल रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन द मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमम करना, एंड गिवन स्लांट हाइट, और आपको स्लांट हाइट दी हुई है, ये आर है, ये एच है, और स्लांट हाइट आपको एल दी गई है, ठीक है। और प्रूफ करना है कि जो स्लांट हाइट है वो टेन इनवर्स रूट टू के बराबर है, किसके बराबर है, टेन इनवर्स रूट टू के बराबर है। तो बस बात ठीक है, हमें थीटा को रूट टेन इनवर्स रूट टू प्रूफ करना है किसके, एल के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी, काम करेंगे। चलिए पहले तो भाई, लेट द रेडियस, रेडियस ऑफ कोन, हाँ जी, रेडियस ऑफ कोन क्या, आर, एंड द हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या जल्दी बता दो, एच। नाउ द स्लांट हाइट ऑफ, स्लांट हाइट ऑफ, हाँ भाई किसकी, कोन क्या है, एल। नाउ अब एक काम करो, देखो बच्चों, हमें गिवन सिर्फ एल है, हमें गिवन क्या है, स्लांट हाइट, यानी जब हमें स्लांट हाइट गिवन है तो इसका मतलब आर हमें गिवन नहीं है, एच भी हमें गिवन नहीं है। जब गिवन नहीं है तो उसको हम लेके करेंगे क्या, क्योंकि हमारे लिए तो वेरिएबल का काम करेगा। तो ऐसा काम करो कि सारी टर्म एल में चेंज हो जाए, सारी टर्म किस में चेंज हो जाए, एल में। अब ये कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि हमें एंगल दिया हुआ है, सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें एंगल दिया हुआ है। अगर मुझे एंगल दिया हुआ है तो मैं अगर इसको नाम दे दूं ए ओ बी, तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, तो सबसे पहले मैं काम करता हूं भाई, साइन थीटा के सामने वाला, ये सॉरी, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ लेटा हुआ होता है बेस, सही बात है। तो परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। तो जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ओ बी, और हाइपोटेनियस कौन है, ए बी। तो यानी साइन थीटा और ओ बी कितना है, आर, ए बी कितना है, एल। एल को उठा के वहां ले जाओ, तो देखो एल, एल इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ, और आर की वैल्यू आ जाएगी एल साइन थीटा, आर की वैल्यू क्या आ गई, एल साइन थीटा। इसी तरीके से नाउ, हाँ भाई, अब एच की वैल्यू निकाल लो। तो देखो थीटा के हिसाब से एच कौन है, बेस, तो बेस, और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस किसका होता है, कॉस थीटा का। तो बेस कौन है, ए ओ, हाइपोटेनियस कौन है, ए बी, कॉस थीटा, हाँ जी, ए ओ कौन है, एच, ए बी कौन है, एल। एच की वैल्यू निकाल लो, एल उठा के मान लीजिए एल कॉस थीटा बराबर एच। तो लो जी, एच की वैल्यू भी एल के टर्म में आ गई, और आर की वैल्यू भी एल के टर्म में आ गई। तो जब मुझे सब कुछ बच्चों एल के टर्म में मिल गया है, तो मुझे मैक्सिमम करना क्या है, मुझे तो मैक्सिमम भैया वॉल्यूम करना है, तो बस वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वी बराबर 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, और उसके ऊपर स्क्वायर है। एच की वैल्यू क्या है, एल कॉस थीटा, हाँ जी। तो वी बराबर 1/3 पाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये एल, एल, हाँ भाई, एल स्क्वायर, और ये एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल का क्यूब कॉस थीटा। आप बताओ क्या गिवन है, एल तो गिवन है, तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, थीटा के। तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डीवी अपॉन में डी थीटा बराबर 1/3 पाई एल क्यूब, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो बस पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, डीवी अपॉन डी थीटा, साइन का पावर आगे एक कम, ये तो पावर का हुआ, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा, और फिर एक और कॉस थीटा पहले से ही है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो dv अपॉन डी थीटा 1/3 पाई एल क्यूब, प्यारे बच्चों 2 साइन थीटा
कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब क्या करेंगे, हाँ जी, डी वी अपॉन में डी थीटा बराबर 0, 1/3 पाई एल क्यूब 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। बच्चों ये सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, इधर मल्टीप्लाई कर रही हूं, वहां जाके डिवाइड होकर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 3 यहां पे डिवाइड कर रहा हूं, वहां जाके मल्टीप्लाई 0, ये दोनों यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां के डिवाइड 0, तो बचा क्या 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। माइनस की चीज वहां जाके क्या हो जाएगी, प्लस, तो स्क्वायर से साइन थीटा कटेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके, साइन थीटा के। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या, सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 cos स्क्वायर थीटा। बस इतना ही काफी है, बाकी अब क्या करेंगे हम, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा डी स्क्वायर वी अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर बराबर, अच्छा हमें तो ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है, अब क्या करना बच्चों, अब क्या करना है, इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है, तो करो, हाँ जी, 1/3 पाई एल क्यूब, ये तो कांस्टेंट वैल्यू छोड़ दो इसको, इन दोनों के बीच में दोबारा डेरिवेटिव, ये दोबारा डेरिवेटिव करने से बेटर है, दोबारा डेरिवेटिव करने से बेटर है क्या, कि मैं बच्चों सीधी सिंपल सी बात, सीधी सिंपल सी बात क्या, कि साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दूं, सबसे बढ़िया क्या कर दूं, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है। नाउ अब एक काम करो, डी वी अपॉन में डी थीटा बराबर 1/3 पाई एल क्यूब, ठीक है, 2 sin थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करो, क्या काम करो, कि डी वी अपॉन में डी थीटा में किसकी वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये पुट करो, तो 1/3 पाई एल क्यूब 2 sin थीटा की वैल्यू क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा, और पहले से ही कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब, हाँ भाई 2 × 2 = 4, और ये कितना बन जाएगा, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी, एक काम करो यहां से गड़बड़ हो जाएगी, सॉरी सॉरी बच्चों, सीधा क्या करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही करो जो कर रहे थे, वही करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो करो जी, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यूब, ठीक है, चलो करना बच्चों, 2 तो अपनी जगह पे फिक्स, इन दोनों के बीचों में प्रोडक्ट रूल, तो डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, में साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, बीच में प्लस, अब साइन थीटा एज इट इज और कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, पावर आगे एक कम, और फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, पावर आगे एक कम, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक, 1/3 पाई एल क्यूब, हाँ जी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 cos क्या बन जाएगा, क्यूब थीटा, प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 = 4 क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये बन जाएगा माइनस का 2 sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चलो शुरू करते हैं बच्चों,
एक मिनट बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा साइन यहाँ पे क्यूब बनेगा। सॉरी बच्चों, गलती हुई है यहाँ पे, देखो पावर में गलती हुई है। यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे क्यूब, कटेगा तो पावर 2 आएगी, यानी ये होगा। अब ठीक है, वही मैं कहूँ यार, पावर बनेगी नहीं वो किसी कीमत पे। हाँ अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब क्या सॉल्व करेंगे, ये हो गया डी स्क्वायर वी डी थीटा का स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, 1/3 पाई एल क्यूब 2 cos³ थीटा माइनस 4। भाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, पुट कर देंगे 2 cos² थीटा, और साथ में cos थीटा है ही, माइनस 2। हाँ भाई, 2 sin θ cos थीटा, इसका कैसे करें। तो हाँ जी, साइन थीटा तो है ही नहीं यार, ये गड़बड़ हो रही है कुछ। अच्छा हाँ, गड़बड़ तो होएगी, गड़बड़ तो होएगी भाई, जब डेरिवेटिव ही, जब यहाँ पे डेरिवेटिव ही गलत हो गया है तो गड़बड़ तो होएगी ही भाई। चलो अब ठीक है, यहाँ पे बच्चों पावर क्या थी, 3। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना था तो करो डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 पाई एल क्यूब, ठीक है, 2, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल। तो साइन थीटा क्या बनेगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन थीटा का कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। हाँ भाई, अब क्या होगा, साइन थीटा एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे साइन इसका एज इट इज। अब क्या होगा, साइन थीटा एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा का होगा, पावर आगे 1 कम, फिर कॉस का माइनस साइन, ठीक है। और साथ में क्या है बच्चों, साथ में क्या है, माइनस साइन क्यूब थीटा, यानी पावर आगे 1 कम और साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। अब हो जाएगा ये, अब हो गया 1/3 पाई एल क्यूब अंदर मल्टीप्लाई 2 cos³ थीटा, हाँ जी, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब हो जाएगा तो बस डी स्क्वायर वी अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यूब 2 cos³ थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर है बच्चों, 2 cos² थीटा के, 2 cos² थीटा और साथ में कॉस थीटा, माइनस 3 साइन स्क्वायर क्या है, 2 cos² थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। चलो तो 1/3 पाई एल क्यूब 2 cos³ थीटा, हाँ भाई, माइनस 4 2 जा 8 cos³ थीटा माइनस 3 2 जा 6 cos³ थीटा, हाँ जी, तो 1/3 पाई एल क्यूब 2 cos³ थीटा, हाँ भाई, 8 और 6, 8 और 6 होता है 14 cos³ थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। ठीक है जी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1/3 पाई एल क्यूब, हाँ भाई, 14 में से 2 का कितना बचेगा, माइनस का 12 cos³ थीटा, और ये 3 से काटेगा कितना आएगा भाई, 4, तो कितना बन गया, माइनस का 4 पाई एल क्यूब कॉस क्यूब थीटा इज लेस देन 0। देखो आ गया ना, क्योंकि माइनस आ गया ना बाहर, तो लेस देन 0। सो द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अभी इसका एक छोटा सा पार्ट रह रहा है, ठीक है, वो भी करवाता हूँ, जल्दी से नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो, क्योंकि फिर हमें टेन थीटा भी प्रूफ करना है। एक दिन में यही है बच्चों कि एक दो क्वेश्चन ही हो पाते हैं, बस
26 हो गया, 25 हो, सॉरी 25 हो गया, 24 हो गया, 23 कराना है। चलो अब देखो आगे बच्चों, यहां तक उतार लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके, मैं इधर करवा रहा हूं अब, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल है वो क्या है भाई, टेन इनवर्स रूट टू के बराबर। तो इसको उठा लो, नाउ नाउ टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा को बच्चों वहां उठा के ले जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो जल्दी बता दो क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वहां पे जाएगा क्या बन जाएगा, रूट टेन थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल लो, टेन वहां चला जाएगा, तो टेन इनवर्स रूट टू। क्या यही प्रूफ करना था, हो गया, फटाफट नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, हाँ जी बच्चों लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। फिर जो 23 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिलहाल आज का क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, ये देख लो। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है और लेंदी भी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन भी है और बहुत लेंदी भी है, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है। चलो यानी अगर इसमें भी एक भी मिस्टेक हुई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 26, ठीक है। चलिए, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, फिर से वही है सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि भाई आपकी बार कुछ नहीं दिया है, यानी कि एच भी वेरिएबल है हमारे लिए, आर भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है, बस ठीक है, नाम दे दो बस इसको, ए ओ सी या बी, ठीक है जी। चलो क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, ठीक है। क्या करना है हमें, मैक्सिमम वॉल्यूम करना है और गिवन सरफेस एरिया है, क्या है गिवन सरफेस एरिया। नाउ चलिए भाई, सबसे पहले भाई लेट द रेडियस ऑफ क्या भाई कोन, तो आर, एंड द हाइट हाइट ऑफ कोन एच, एंड द स्लांट हाइट ऑफ कोन कितना बच्चों एल। नाउ इन ट्रेंगल ए ओ बी के अगर हिसाब से चलूं तो एल स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आपको यहीं छोड़ देना इसको। नाउ अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन,
बच्चों राइट सर्कुलर कोन होता है पाई आर एल, ये तो होता कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व बोला होता तो यही लेते, लेकिन कर्व नहीं बोला है उसने, उसने सरफेस एरिया बोला है। तो सरफेस एरिया में कर्व भी आता है और नीचे का सर्कल भी आता है, तो नीचे का सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो एस बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं हमारे, आर और एल, कौन दिख रहा है, आर और एल, किसी एक को अकेला कर लो, या तो आर को कर लो या तो एल को। तो मुझे ना एल आसान लग रहा है अकेला करना, कैसे, पाई आर स्क्वायर इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और पाई आर इधर क्या कर रहा है, चलो, और पाई आर इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो एल की वैल्यू आ गई एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर। नाउ अब उसने कहा वॉल्यूम को मैक्सिमम करो, नाउ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, भैया कोन कैसा भी हो वॉल्यूम उसका हमेशा फिक्स होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी वी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो अब क्या करना है बच्चों, असल में हमने जो वैल्यू निकाली वो एल की निकाली है, क्या यहां कहीं भी एल बनता हुआ दिख रहा है, जी नहीं दिख रहा। जब एल बनता हुआ नहीं दिख रहा है तो एल बनाता हो, एल बनाओ यहां पर, कैसे बनाओगे, सबसे पहले यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, जब बोथ साइड करोगे स्क्वायरिंग तो यह बनेगा वी स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल स्क्वायर। तो वी स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4 एच की स्क्वायर। अच्छा अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि आर की स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो यहां से और पुट कर दो, ठीक है, आर के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और क्या कर दो, पुट कर दो। लेकिन अगर मैं पुट कर दूंगा तो बच्चों ये भी तो देखो कि मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर कंप्लीट ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं सीधा एक काम करता हूँ, वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4 एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या पुट कर देता हूँ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है जी, बस बात खत्म। वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर आर की 4, आर की 4 माइनस आर की 6, ठीक है। अब क्या करो, एल की स्क्वायर, ठीक है, हाँ मैंने यही सही किया क्योंकि यहां पे सारी टर्म आर में है ना, इसलिए, वरना एस से करते हो दिक्कत हो जाती। चलो तो एल की वैल्यू पुट कर दो भाई, एल की वैल्यू है एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का स्क्वायर, और ये आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 6। वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 6। आर स्क्वायर से इसका 4 कटा, खत्म। वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या है बच्चों, आर स्क्वायर, साथ में क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर की 6। अब क्या करो, 1/9 पाई स्क्वायर, ओपन करो इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का 4 माइनस 2ab, 2s पाई आर स्क्वायर, और पूरे के बाहर कौन है, आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस आर की पावर 6 अपॉन 1। तो भाई वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर सॉल्व करेंगे, एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर सारा ये एस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की 6 अंदर माइनस 2s पाई आर की पावर 4, और फिर 1 से ये इसको इससे किया है तो इस वाले को इससे करेंगे, तो ये आएगा माइनस पाई स्क्वायर आर की 6 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है जी, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, पाई स्क्वायर से आर की 6, पाई स्क्वायर से आर की 6 कैंसिल, बचा क्या, बचा क्या, वी स्क्वायर बराबर 1/9, ठीक है, ये बन गया एस स्क्वायर आर की आर एस स्क्वायर आर स्क्वायर, और साथ में बचा माइनस 2s पाई आर की पावर 4, ये आ गया हमारे पास छोटा करके, ठीक है जी, छोटा करके हमारे पास सब कुछ कट पिटा के ये आ गया। अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, आर के। तो ये कैसे होएगा बच्चों, पहले पावर आगे एक कम, फिर v का होगा dv अपॉन dr, 1/9 s स्क्वायर अपनी जगह
आर स्क्वायर पावर आगे एक कम माइनस 2s पाई इसका पावर आगे एक कम, तो ये हो गया 2v dv dr 1/9, ये आएगा 2s स्क्वायर r माइनस 4 2 जा 8 s पाई r क्यूब, s पाई r क्यूब ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब बात आती है कि अब आगे क्या करें। तो हाँ जी ठीक है, अब आगे क्या करेंगे बच्चों, तो अब हम आगे ये करने वाले हैं कि ये इस पूरे की, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम प्रूफ करना है हमें। मैक्सिमम और मिनिमम क्या करना है, प्रूफ करना है। नाउ तो एक काम करो, क्या भाई इसे क्या करना है भाई हमें, dv/dr को 0 के बराबर रख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 1/9 2s² r माइनस 8s π r³ बराबर 0। ये 9 उधर जाके 0 हो जाएगा, बचेगा 2s² r माइनस 8s π r³ बराबर 0। 2s² r ये माइनस की चीज वहां जाके हो जाएगा प्लस 8s r³। हाँ जी, 1s से 1s गया, 2 से ये जाएगा कितना 4, 1r से 1 आ जाएगा r² ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा s बराबर 4π r² s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4π r² कितनी आ गई, 4π r² तो जल्दी से बच्चों यहां तक का नोट करो, फिर आगे और आता हूं। ठीक है, चलो ये मिटा दूं अब। L की वैल्यू याद रखना s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, अब नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, फिर से r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। किसका करना है, इसका, तो करो भाई जरा ये इसका करेंगे। तो इन दोनों में तो लगेगा पहले प्रोडक्ट रूल, ठीक है, यानी पहले का डेरिवेटिव एज इट इज प्लस, ठीक है, फिर ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d²v/dr² आ जाएगा बराबर। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, ठीक है जी, यहां से मैं ये मिटा रहा हूं मैं पूरा, ठीक है जी। हाँ जी, अब इसको जरा डेरिवेटिव करना बच्चों, 1/9 तो ऐसे ही रहेगा, 2s² r का बन गया क्या 1 माइनस 8s π r³ क्या बन जाएगा, पावर आगे एक कम, खत्म कहानी। हाँ भाई 2 तो 2 रहेगा, v का डेरिवेटिव क्या होगा, dv/dr (dv/dr) प्लस 2v d²v dr² 1/9। हाँ भाई 2s² माइनस 8 * 24 s π r², ठीक है, s π r² ये क्या बन गया, 2 dv/dr का होल स्क्वायर प्लस 2v d²v/dr² बराबर 1/9 2s² 24s π r², ठीक है। हाँ जी, क्या करें अब, हाँ जी ठीक है। अच्छा अब देखो एक काम करेंगे, टू dv/dr को हमने 0 के बराबर लेट किया था तो हमें एक s की वैल्यू प्राप्त हुई थी, तो इसका मतलब मैं dv/dr को क्या ले लूंगा, 0 ले लूंगा, बात ही खत्म। 2v, हाँ जी, ये क्या बन जाएगा, d²v/dr² बराबर 1/9 2s² 24s π r², ठीक है जी। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, ये तो हो गया 0, तो ये बन गया 2v d²v dr², ठीक है, प्रूफ करो कि भाई मैक्सिमम है कि नहीं। 1/9 2, s की वैल्यू कितनी निकाली है, 4π r² का स्क्वायर माइनस 24, s की वैल्यू कितनी निकाली है, 4π r² ठीक है, और ये π r² तो 1/9 2 4 का स्क्वायर 16 पाई
पाई का स्क्वायर आर की 4 माइनस 24 चौक 96, 24 चौक 96 पाई का स्क्वायर आर की पावर 4, 1/9, 16 दूनी 32 पाई स्क्वायर आर की पावर मोर 96, और ये ऐसे। हाँ भाई 96 में 32 गया तो कितना, 1/9 इंटू 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6, माइनस पाई स्क्वायर आर की 4, यानी -64 पाई स्क्वायर आर की 4 अपॉन 9, लेस देन 0 आ गया भाई, लेस देन क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि हम इसको तो भाई कर चुके हैं। और यहाँ 0 पता नहीं क्यों प्रूव किया, क्योंकि 0 पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जरूर क्या रहेगी, ये पुट करने पे 0 आ जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 0। अच्छा, लेकिन यहीं शांत नहीं होना है, यहीं शांत नहीं होना है। क्या बोला गया हमसे, हमसे बोला गया है, हमसे बोला गया है कि भाई साइन इनवर्स 1/√3 प्रूव करो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इतना बताओ, एल बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, यही लिया था ना हमने, एल बराबर एस कितना था जल्दी बता दो, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर भाई 4 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर गया तो 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर कटा, तो एल बराबर क्या आ गया, 3 आर। अब मुझे बताओ साइन का अगर रिलेशन चाहिए तो हमारे पास फिगर थी ये, हमारे पास फिगर थी बच्चों ये हमने थीटा माना हुआ था, ये एच था, ये आर था, ये एल था। अगर मुझे साइन का रिलेशन चाहिए तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, आर, हाइपोटेनियस कौन होगा, एल, तो मुझे आर अपॉन एल का रिलेशन निकालना है। तो बताओ यहाँ आर के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, एल के साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, तो मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि जब किसी के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं करता तो 1 करता है, तो मुझे आर के नीचे एल चाहिए, तो भैया आर के नीचे एल, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड, यहाँ एल इसके, ये एल यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इसके नीचे आके डिवाइड। तो हमने क्या देखा, आर अपॉन एल किसके बराबर है, साइन थीटा, तो आर अपॉन एल की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, साइन को उठा के उधर ले जाओ तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 1/3, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है, क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट क्लास में ट्राई करवाऊंगा, ठीक है, और वीडियो पॉज कर करके इसे नोट डाउन करते रहिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।